अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसके लिए फिर वही हमें लाइब्रेरी अपनी इंक्लूड करनी पड़ेगी stdio.h, ताकि हम जो है वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ कर सकें। उसके बाद उसी तरह वाइड फंक्शन यूज़ करेंगे, वाइड मेन फंक्शन जो होता है उसको। उसके बाद हमने देखना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। तो उसके लिए एक तो हमें हाइट चाहिए, या आप लेंथ कर लें, विड्थ कर लें, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। और दूसरी हमें चाहिए एरिया। तो अब हाइट मोस्टली जो है वो पॉइंट के बगैर भी हो सकती है, तो इसलिए हम उसका नाम क्या रख लेते हैं, इंट। ये उसकी डाटा टाइप है, तो ये डिक्लेयर हो गया है। हाइट भी इंटीजर डिक्लेयर हो गई है और एरिया भी इंटीजर में डिक्लेयर हो गया है। तो हाइट मैंने ले ली है 10, आप जो मर्जी ले लें उसे, कोई इशू नहीं। अब एरिया हमने कैलकुलेट करना है, तो हाइट को हाइट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है वो डाटा किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया में। उसके बाद प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आएगा, परसेंट एडी। ये परसेंट एडी का मतलब है कि यहाँ पे वो आंसर आएगा जो यहाँ पे हमने रखा है एरिया का। तो ये एरिया का जो आंसर यहाँ पे हमने वैल्यूएट किया था वो यहाँ से यहाँ साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असाइन। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख लें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 100। तो इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इसको चेक कर सकते हैं। होप कि ये लॉजिक आप लोगों को क्लियर होगी। थैंक यू।